दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया चौथी बार बनी चैंपियन, पहली बार भारत को हराया फाइनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। फैंस को आशा थी कि इस बार ऑस्ट्रेलिया से इंडिया फाइनल जीत जाएगी, ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा का बदला अंडर 19 टीम ले लेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर जीत गई। दोस्तों आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की दूसरी टीम साउथ अफ्रीका T20 में खेल रही है जिसके कप्तान एडम मार्करम है। आईपीएल की तर्ज पर बनाए गए साउथ अफ्रीका T20 में सनराइजर्स की टीम ने फाइनल जीता। उसकी मालकिन काव्या मारान है जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन है। साउथ अफ्रीका T20 में चैंपियन बनते ही उनकी मालकिन काव्या मारान काफी खुश नजर आई और ट्रॉफी के साथ फोटो भी खिंचवाया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के चल रही टेस्ट सीरीज के बीच लास्ट 3 टेस्ट मैच के लिए टीम का चयन हुआ जिसमें उमेश यादव का नाम नहीं था, ना ही चेतेश्वर पुजारा का नाम था अजिंक्य रहाणे का। जिसके बाद उमेश यादव का पोस्ट आया है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया, किताबों पर धूल जमने से किताबें खत्म नहीं होती। यह उमेश यादव का दुख, टीम में सिलेक्शन न होने के बाद यह उमेश यादव का दुख सामने आया। कमेंट करके बताएं किसका सिलेक्शन होना चाहिए था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।